नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 2024 से पहले शरद पवार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। शरद पवार ने आज खुद पार्टी के दो कार्यकारी अध्यक्षों का ऐलान किया। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा के साथ ही लोकसभा में कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी भी दी गई। तो वहीं प्रफुल्ल पटेल को मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा और राज्यसभा का काम दिया गया। अब सवाल उठता यह है कि अजीत पवार क्या करेंगे? सुप्रिया सुले को जिम्मेदारी दे दी गई है, इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल को जिम्मेदारी दी गई है, तो अब अजीत पवार का रोल क्या होगा? इससे लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और खुद शरद पवार ने इस बात का ऐलान किया, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को यह जिम्मेदारी दी गई है। पटेल आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं और साथ साथ उनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा, राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे। दूसरी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला युवक युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन, ये काम उनके ऊपर रखते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार ने एनसीपी में बड़ा बदलाव किया है। दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। बेटी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाते हुए सवाल अब ये उठने लगे हैं कि भतीजे को क्या नई जिम्मेदारी दी जाएगी, उनकी क्या भूमिका होगी। इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सुनू ने इस पर छगन भुजबल से बात की है, सुनिए। देखिए, वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल जी पटेल, नेता छगन भुजबल हमारे साथ हैं। छगन जी, दो कार्यकारी अध्यक्ष एनसीपी को मिले हैं, कितनी मजबूत होगी पार्टी खासतौर पर महाराष्ट्र? ये कुछ नई बात नहीं है। कांग्रेस भी ऐसे जो है शीर्षस्थ जो नेता, जो बहुत सारे अपने नेताओं को जो अलग अलग राज्यों में भेजती है, बीजेपी भी भेजती है और जिम्मेदारी देती है कि तुम वहाँ का जो है पॉलिटिक्स और सब पार्टी को संभालो, बढ़ावा दे दो। तो इसी ऐसे ही पवार साहब ने भी तय किया कि ये सारे जो नेता है, सुप्रिया ताई है या प्रफुल्ल पटेल जी है, उनके कंधे के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी स्पेसिफिक, तुमको इन राज्यों में जाकर काम करना है, पार्टी को बढ़ावा देना है, ज्यादा से ज्यादा विधायक और सांसद चुनकर लाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली हुई, जिम्मेदारी दोनों बटन। तो ये जो है तो अलग 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 जिम्मेदारियां जो है लोगों को दी है। सिर्फ नाम देना कि भाई तू उपाध्यक्ष है, तुम ये है, इससे उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ये पर्टिकुलर काम तुम्हारा है, तुम इसके ऊपर। दो मजबूत नेताओं को जिम्मेदारी दी है, लेकिन जो मुख्य कमान है वो पवार साहब के पास ही रहेगी, जिस तरह से बीच में रही। बिल्कुल, वो तो अध्यक्ष रहेंगे और ये तो कार्य अध्यक्ष रहेंगे, तो मुख्य कमान तो उन्हीं के पास है। बीच में एनसीपी में लड़ाई भी देखने को मिली थी, अजीत पवार साहब का नाम नहीं है, उनकी नाराजगी भी हो सकती है। कहा क्या नाम नहीं, अरे भाई वो विरोधी पक्ष नेता है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र जैसा हमारा जो पार्टी का समझो ना सबसे बड़ा स्टेट है, जहाँ पार्टी का जन्म हुआ है, वहाँ पार्टी को फिर से जो है वहाँ गवर्नमेंट पार्टी में लाने का जो काम जो है वो तो बहुत बड़ा काम जो है विरोधी पक्ष नेता के हैसियत से अजीत दादा पवार के कंधे के ऊपर है। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि अजीत पवार को भी जो है पार्टी में एक बड़ा पद मिलना चाहिए था, मजबूती मिलती पार्टी को, और खासतौर पर महाराष्ट्र की जो पार्टी है सत्ता में नहीं है, सत्ता में रहते हुए सत्ता चली गई, तो ऐसे में मजबूती मिलती अगर अजीत पवार को? तो थे, मगर जिस ढंग से बीजेपी ने जो है ये तुम्हारा पॉलिटिक्स किया है, और आपको पता है मैं उसको जो दोहराना नहीं चाहता हूँ, और सरकार जो गिराने का काम किया है तो आप सब लोग देख रहे हैं। तो अब ये जो है कि ऐसे हालत में जो है सबको साथ में लेकर पार्टी को फिर से गवर्नमेंट में लाने का काम करेंगे।
तो छगन भुजबल से जब सवाल पूछा हमारे सहयोगी कुमार सोनू ने कि क्या अजीत पवार को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए थी, तो उन्होंने इस बात पर बड़ी आसानी से बड़े सरल शब्दों में सवाल को टाल गए। उन्होंने कहा कि पार्टी को फिर से मजबूत करना है और वो किसी भी पुरानी बात पर कोई अपनी राय नहीं रखना चाहते हैं। बहरहाल एक बड़ी खबर, फिर से एनसीपी में बड़ा बदलाव हुआ है। सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है, लोकसभा के कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी भी दी गई है। वहीं प्रफुल्ल पटेल को भी जिम्मेदारी दी गई है, राज्यसभा के कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई और कुछ राज्यों की भी अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई है। लेकिन अजीत पवार को इसमें कुछ नहीं मिला। अजीत पवार को पहले ये जानकारी थी, ऐसे सुगबुगाहट थी कि शायद राज्य स्तर पर कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि हमेशा से वो महाराष्ट्र की राजनीति करते आए हैं, तो हो सकता है अजीत पवार को वहां पर कोई जिम्मेदारी दे दें, वहां के कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दे दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले में ये पा का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। समीर भी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, अभी तक जितने भी एनसीपी के नेताओं से आपकी बातचीत हुई है, आप क्या समझ पाए हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से हमारी बातचीत पार्टी के नेताओं से हो रही है, उनमें एक सुर जो है साफ साफ नज़र आ रहा है कि पार्टी की जिम्मेदारी जो है आने वाले समय में कुछ लोगों पे जानी थी, कुछ सीनियर्स नेताओं पे जानी चाहिए थी, इसीलिए सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल पर जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि जिस वक्त शरद पवार ने इस्तीफे की पेशकश की थी, उसी वक्त दो नामों की चर्चा बिल्कुल सामने आ गई थी, उसमें प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले का नाम था। इसलिए पार्टी के भीतर पहले से ही एक कंसेंसस एकमत बन चुका था कि आने वाले समय में उत्तराधिकारी के तौर पर भी अगर हम बात कर लें, या कामकाज जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस का अगर राष्ट्रीय स्तर पर और महाराष्ट्र स्तर पर अगर लेके जाना है, तो दो नाम जो हैं वो आगे आ सकते हैं। और उसी का हम एक अगला पन्ना जो है, नया पन्ना जुड़ता हुआ जो हमें नजर आ रहा है, उसमें प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले का नाम है। इसलिए पार्टी जो है इस पूरे बदलाव को लेकर, या जिसे शरद पवार की भाषा में कहें कि रोटी घुमाना, पार्टी के भीतर बदलाव करना, उसका ही एक अगला अंक हम देख रहे हैं। आप जी कह रहे हैं रोटी पलटी गई है और उसी का एक असर आप देख रहे हैं। अब अजीत पवार इस पर क्या स्टेटमेंट देते हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए समीर आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।